अभी आप जिस छोटे से किंगफिशर पक्षी को देख रहे हैं, इसी ने जापान के बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल के अंदर जाती थी और जब बाहर निकलती थी तो बहुत ही तेज आवाज होती थी, लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी के ऊपर ध्यान दिया और देखा कि जब ये मछली पकड़ने के लिए नदी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। और फिर इसी पक्षी के बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तरीका काम कर गया। इसके बाद से बुलेट ट्रेन से कोई भी आवाज नहीं आती है और इसकी स्पीड भी तेज हो गई। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े।